बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त एनए नेशनल असेंबली का हलका 60 है जिसमें बैठी हूँ। लाल हवेली मेरे पीछे है, शेख साहब मेरे साथ हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। इंतखाबात का दौर दौरा है और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान भर में अगर इलेक्शन कैंपेन कहीं नज़र आ रही है तो वो सिर्फ हलका 60 और 62 ही है, इसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं। उसकी वजह शायद गर्मी है, बेयकीनी है या कोई और वजूहत है, लेकिन शेख साहब का जो वोटर सपोर्टर है वो भी एनर्जेटिक है और शेख साहब भी एनर्जेटिक है। सो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके बात करेंगे, शेख साहब से कुछ चुपते हुए सवाल भी करेंगे क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह से पूछेंगे। 7 साल 7 बार वो नेशनल असम्बली का हिस्सा रहे हैं, फर्जंदे रावलपिंडी खुद को कहते हैं, पिंडी के लिए उन्होंने किया क्या है, तो ये पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप 60 और 62 दो हलकों से खड़े हुए हैं, अवामी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर लड़ रही है इलेक्शन, अवामी मुस्लिम लीग के अपना सियासी तशख्स क्या है? हमारा जाती तशख्स ये है कि हम इस इलेक्शन में कोशिश करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के तहरीक इंसाफ का वोट ज़ाया ना हो और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएँ। गो के इमरान खान कहते हैं कि मैं अगर हंग पार्लियामेंट हुई तो अपोजिशन में बैठूंगा, मेरी ये कोशिश नहीं होगी। अगर हंग पार्लियामेंट होगी इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत बनाएं, और हम चाहते हैं तो हर हल्के में हमारे 5-10 हज़ार वोट हैं, हम भी कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं जी, हमसे ज़्यादा बेहतर कौन अनाउंस कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो गद्दारी होती और मुनासिब ना होता, हम इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई की अपनी पॉलिसीज़ और अपनी सोच है, अवामी मुस्लिम लीग की अपनी सोच है, लेकिन मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जब ऑप्शन हुई तो कौम को बताएंगे। तो बेहतर नहीं था कि आप बल्ले के निशान पे लड़ लेते, फिर इस कलम दवात का क्या फ़ायदा अगर आपने मैं किसी कीमत पर अपनी फिक्री सोच को नहीं बेचना चाहता या ख़त्म नहीं करना चाहता। बहुत सारे मसलों पर पीटीआई से मेरी मुख्तलिफ राय होती है और बहुत सारे मामलात में मैं समझता हूँ कि पीटीआई को वो कुछ उससे बेहतर प्रोजेक्ट कर सकती थी, और मैं एक सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरी और इमरान खान की फ्रीक्वेंसी मिलती है। अच्छा, इसलिए मैंने कलम दुआत की हद तक रखा है और कलम दुआत मुस्तकबिल की सियासत का सबसे बड़ा निशान है बल्ले के बाद। इसकी स्याही किस कलर की, यानी ये काले रंग इसकी स्याही गरीब के खून से लिखी जाएगी। शेख साहब ये तो खैर आपके जुमले हैं, ये तो सर आपके, हम दरबाने हुसैन है, हम दरबाने हुसैन है, यजीद के काफिले के हम पैरोकार नहीं। शेख साहब ये भी आप पे अब इल्ज़ाम आ रहा है खास करके कुछ अरसे से कि आपने मजहब को सियासत का हिस्सा बना दिया है। उम्र के इस हिस्से में भी मजहब का सियासत ने हिस्सा ना हो तो जब वो लाल मस्जिद वर्सेस लाल हवेली का इलेक्शन था उस वक्त किसी को क्या बरनाल लगानी पड़ेगी अमन को? तो उस वक्त आप लाल मस्जिद वालों के ज़ाहिर खिलाफ थे, उस वक्त कोई खिलाफ नहीं था, हुकूमत का हिस्सा खिलाफ नहीं था बिल्कुल। जो कुछ हुआ मेरी मिनिस्ट्री गई, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रेलवे में गया, मैं आज के रसूल हूँ और ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ, और हाँ इन सब मौलवियों ने बोल दिया। शेख साहब ये तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें ज़ाहिर है कि एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के लोग भी हैं, उनको भी आप एड्रेस करते हैं, लेकिन ये सियासत मज़हब को अलग नहीं होना चाहिए? मज़हब तो हर एक का ज़ाती हिस्सा है। मेरी सियासत और मज़हब एक ही चीज़ है, मैं मज़हब को सियासत से और सियासत को मज़हब से दूर नहीं देखता। मैं जो अभी लिबरल है, नहीं तो खतरनाक ट्रेंड है ना, लोग मतलब जो लोगों के हम किसी की जान तो नहीं ले रहे। दो दफा हमें जहाज से उतारा अमेरिका ने, क्या किया हमने, क्या किया हुकूमत ने, हमारा ये अकीदा है। और जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं वो मुल्हिद हैं, वो अपने आप को
मॉडरेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर पिंडी वाले आपको मुंतखब क्यों करें? 7 बार आप वजीर रहे, तकरीबन हर हुकूमत का आप हिस्सा रहे, अहम वजारतें आपके पास रही हैं, आज भी आपके शेख साहब वही वादे हैं। असल वजारत और हुकूमत पहली दफा अब लेने जा रहा हूँ। अगर मैं आ गया हुकूमत में, मैं लंबा डाल दूंगा इन चोरों लुटेरों। इससे पहले आपके पास पावर नहीं थी? पावर थी, वैसे ही हल्की फुल्की मौसीकी थी। अब मैं पक्का राग गाऊंगा इनके साथ। ये कहता था ना एक सीट का ये लीडर है, एक सीट की। अब मैं बताऊंगा कि शेख रशीद और कलम दवात किस चीज का नाम है। कलम दवात से सर अभी भी एक ही सीट के आप होंगे या दो सीटों? अब मैं एक डिफरेंट शेख रशीद हूँ। इससे पहले सारे मुल्क में मेरी वो आवाज़ नहीं थी। अगर मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, मामूली सी बात है, 14-14 करोड़ लोग उसको देखते हैं। अगर एक मैं एक मामूली प्रोग्राम करता हूँ तो 13-13 करोड़ लोगों की मुझसे मोहब्बत है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। इससे पहले लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मैं लोगों को मायूस नहीं करूँगा, मैं तारीखी किरदार अदा करूँगा और पाकिस्तान की तारीख में कलम दवात जितने वोटों से जीतेगी ये दांतों में उंगलियां दे देंगे। आपने सुना कि 1 लाख की लीड का है? 1 लाख वोटों से जीतूंगा। मैंने कहा मैं 1 लाख वोटों को टच करूंगा। पहले 70-75-80 थे, 1 लाख वोटों को क्रॉस करूंगा। तो अगर किसी के सुनने में फर्क है तो उसकी मैं मानना चाहूंगा। अच्छा, लेकिन सर आपका मंशूर क्या है, क्योंकि आप हमेशा? मेरा मंशूर है काला काला रसूल अल्लाह। मेरा मंशूर है पाकिस्तान के आम लोगों की दस्तरस और रसाई और मसाइल। और मेरा मंशूर जो है बेसिकली, इस दफ़ा मैं गरीबों को रोज़गार देने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ा लोग तो जेल नहीं जाता है, गरीब आदमी फोन में चला जाए तो 10 साल अंदर पड़ा रहता है। सो मैं अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम देखने जा रहा हूँ और मुझे अल्लाह के दरबार से इतनी भी उम्मीद नहीं कि मैं हार रहा हूँ। कलम दवात रिकॉर्ड वोटें लेगी पाकिस्तान। और अच्छा, 85 से लेके अब तक आपने क्या किया इस हलके के लिए? इस हलके के लिए आपने किया क्या सर, सिवाय एक लड़कियों के कॉलेज के? वही सड़कें हैं, वही अस्पताल, वही पे सेहत की वही फुकदान है, वही पक्की गलियां। पाकिस्तान में जब सियासतदान बातें कर रहा, अब आप मेरा जवाब। पाकिस्तान में जब सियासतदान सिर्फ तालीम की बातें कर रहा था ना, हमने इस शहर के प्लाटों पे कब्जा करके वहाँ कॉलेज बनाए। कोई और सियासतदान होता है तो उसकी जाली रजिस्ट्रियाँ करके बेचता, राइट। ये पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ 5 आदमियों की लाशें लगी हुई हैं फोटो में। ये पहला मेडिकल कॉलेज हमने गॉर्डन कॉलेज को तकसीम करके बनाया, NCA हमने बनाया, वीमेन यूनिवर्सिटी हमने बनाई। जहाँ ढोक का लफ्ज़ आता है, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक लाई बख्श, ढोक नजू, जितनी ढोक अंग्रेज ने मजदूरों की लेबर के लिए रखी थी, वहाँ हमने स्कूल और कॉलेज बनाए। इवन हमारे रत्ते के स्कूल के सामने एक मुश्ताक रक्षे वाले मुश्ताक खान की 2 बेटियों ने CSS किया है। हमारी पिंडी की रक्षे वाले, टांगे वाले, रेड़ी वाले की बेटी भी ग्रेजुएट है। पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसी सूरत हाल नहीं। लड़के थोड़े नलायक हैं बात। अच्छा शेख साहब, लेकिन आपके जो अपोनेंट है उन्होंने तो यहाँ पे मेट्रो भी बनवाई है, अस्पताल भी बनाए हैं, मेरी बात उनके क्रेडिट पे भी काम है सर। 13 साल तक हमने दुनिया का मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल डिजाइन किया, 200 कनाल जमीन हासिल की। कल चीफ जस्टिस साहब ने इस शहर पे मेहरबानी की, आज उस पर काम शुरू हो गया। 6 अरब रुपए का 200 कनाल पे एक, जिसमें 14 ऑपरेशन थिएटर होंगे, पाकिस्तान की एक्सीलेंसी में एक इजाफा है। 13 साल तक नवाज शरीफ ने इस शहर को सजा दी। हमारी एक्सप्रेसवे 26 बिलियन रुपीस में 6 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। इस शहर के नाला लेई में हर 20-25 साल के बाद 200 आदमी मरते हैं। हमने लोगों को बेदखल किया, साइडों पे किया, लोग फिर आगे आ गए। एक ही कॉलेज, 60 कॉलेज लहदा बलाए, कैंटोनमेंट में कोई सिविलियन कॉलेज नहीं था, हमने पहला कॉलेज बनाया। और हमने किसी शख्स को ऊपर रहते हैं पत्थर मार के भी लोग जगाते हैं।
लेकिन शेख साहब आप पे तनकीद भी तो यही हो रही है कि शायद, और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि प्री पोल रिगिंग का आगाज हो गया है, जब कोई काम नहीं हो सकता तो आपके हॉस्पिटल पे काम हो रहा है आप इस वक्त। देखिए नवाज शरीफ साहब, आपके ख़ानदान में नाक में तकलीफ हो, आप लंदन अमेरिका जाते हैं, हमारी बेटियों और माओ ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया है, यूरोप में कुत्ते इस तरह काम नहीं होता, कुत्तों का, कुत्तों के जहाज़ हैं, कुत्तों के स्विमिंग पूल है, कुत्तों के होटल हैं, कुत्तों के 6-8 कुत्तों का बैंक बैलेंस सारे पाकिस्तान के अकाउंट से ज़्यादा है। हमारी बेटियाँ सड़कों पर बच्चों को जन्म दें, हमारी माएँ सड़कों पर बच्चों को जन्म दें, तुम्हें इस तकलीफ का कैसे अंदाज़ा है? यहाँ दाइयाँ, आधे बच्चे मर जाते हैं दाइयों के हाथों में, हर छोटे बच्चे का जनाजा इसलिए उठता है कि यहाँ कोई उनका रखवाला नहीं है। ये सियासतदान बातें बड़ी करते हैं, इनको बातें आती हैं। तो अभी आपका एजेंडा क्या है, आपने पिंडी वालों के लिए और क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कल मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, परसों चला जाऊंगा, अभी आपने शोर डाला हुआ, अभी मैं जाऊंगा, शायद उसका केस लगते लगते दिन लग जाए। मुझे 200 मिलियन गैलन पानी रोजाना चाहिए गाजी बरोथा से, ये मेरा केस है। ये हमारा खानपुर डैम सूख गया जी, हमारा रावल डैम सूख रहा है, हम हलकों में जाते हैं, जिस शहर में इन्होंने 9 साल हुकूमत की है ऐसी सूरत हाल बन गई है कि मुर्दे ने लाने के लिए पानी नहीं है, शकरियाल मेरे हलके में लगा है पीने के लिए पानी नहीं है। सब ये 5-7 साल में तो नहीं हुआ ना, इसके लिए तो पुरानी प्लानिंग करनी थी, और आप तो उस वक्त देखें ये चौधरी निसार के हलके थे, ये चौधरी निसार के हलके थे, मेरा हलके में ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे हलके में अल्लाह के फजल से वोटर सियासी है, 10 साल में 1 पैसा नहीं लगाया, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट कलम दुआत को इस मरतबा मिलेगा, इस दफा मिलेंगे। ये अब शेख साहब ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि 1 लाख तक लूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख की लीड लूंगा, जो कि मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है, वो कह रहे हैं 1 लाख तक हम वोट लेंगे, 1 लाख को क्रॉस करूंगा। मैं तो एहतियातन कहता हूँ ना, ठीक, मैं एहतियातन कहता हूँ, इंशाल्लाह 1 लाख 5 हो, 1 लाख 10 हो, 1 लाख 20 भी हो सकते हैं। सही, कल का पता नहीं, आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, खुदा को जो मेरे अंदर रोशनी है, मैं 1 लाख वोटों को क्रॉस करूंगा, 60 से भी और 1 लाख वोटों से 1.5। अच्छा, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब से लाल हवेली से, और ये प्रोग्राम जारी है, एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगी ब्रेक के बाद, कि क्या हो रहा है इस वक्त और क्या होने जा रहा है, हुकूमत किसकी बन सकती है, और इस वक्त क्या वाकई हम कह सकते हैं कि शफाफ इलेक्शन और साजगार माहौल तमाम जमातों के लिए है कि नहीं, ब्रेक के बाद शेख साहब से बात करेंगे हमारे साथ में। नाज़रीन, बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। शेख साहब, आप तो पूरी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे, अगर आप हार जाते हैं, तहरीक इंसाफ हार जाती है, उनकी हुकूमत नहीं बनती, आप ये मेरी बात सुनेंगे? आपका तो ख्याल था मैं नाहल हो जाऊंगा, यहाँ जुआ लगवाया है इन बदमाशों ने। मैंने अभी तक, मैं हो सकता है हाई कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाऊंगा, मैंने सीपीओ को लिख के दिया है। अच्छा, इन्होंने एक काजी फायक ईसा की बातों को इस तरह उछाला कि उन्होंने अल्लाह सच्ची बातें की, जो अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने सारे शहर में जुआ खिला दिया कि मैं नायल हो रहा हूँ। मैं तो जी अमीन और सादक डिक्लेयर हो गया हूँ 9C में, इनकी बारी है एफेड्रीन में, 1 टन एफेड्रीन है। लेकिन अच्छा, वैसे आपका हल्का, अच्छा आपका हल्का वैसे 60 और 62 है, लेकिन ये 62 और 63 जो है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तनकीद की जा रही है कि शफाफ इलेक्शन जो है उसके ऊपर एक बहुत कारी जरब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, खास करके नाहलियत जो नून लीग के लोगों की हुई। सारा मुल्क लूट के खा गए, अभी कहते हैं वो मेरे बेटे तो फॉरन होल्डर है, ये तो भी इल्जाम है ना सर, और कहता है कि मैं, मुझे सुबह शाम गालियां देता है। भाई मेरा तो सियासी मुखालिफ है, तेरी शान में कसीदा कहूंगा, तेरी सियासत में सत्यानाश करूंगा। हाँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कभी मैंने मरियम साहबा और कुलसुम के बारे में ना बात की है ना करूँगा।
राइट। सो बाकी तुमने मजाक बनाया हुआ इस कौम के साथ, जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार हो, फौजी जूते, नवाज शरीफ पाकिस्तान का फौजियों के जूते चाट चाट के यहाँ पहुंचा, उसको जानता तो सारे ही चाटते हैं ना, वो इस मुल्क में मोस्टली लोगों ने ऐसा जो किया। ताकतवर है उसकी चाटेंगे ना लोग, वही ताकतवर है। हमने ताकतवर से टक्कर ली, सिर्फ मुशर्रफ का दौर गए, उससे पहले हम वजीर बन चुके थे, उससे पहले हम सियासत में थे। इन लोगों ने तो घोंसलों में आंखें खोली, फौजी कैंपों में, फौज की नर्सरियों से नवाज शरीफ और ये सारे पल के जवान हुए। इनका सियासत में था क्या? एक ग्वाल मंडी में इलेक्शन लड़ा, जमानत जब्त हो गई तहरीक इस्तकलाल के टिकट पर। दुनिया में सबसे कम वोट तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तकलाल के टिकट पर नवाज शरीफ ने ग्वाल। लेकिन शेख साहब अभी इल्जाम लग रहा है कि नैब वो सब कुछ कर रही है, पीटीआई को कुछ नहीं कर रही, कर सकती है। अभी तक नैब ने, मेरा सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि 200 अरब की करप्शन है एलएनजी में। मुझे आए ना किसी चैनल पे, अब 200 अरब रुपए की करप्शन है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया जस्टिस अब्बासी को, नैब के को इन्वेस्टिगेशन करो, पूरा केस मैंने बना के दिया, अभी तक कोई बात ही नहीं चली आगे। लेकिन अभी जो आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप बन गया है, चौधरी निसार साहब को जीप मिल गई है, और एक जीप है जिसको कहते हैं कि ये जीत का निशान है, ये कहाँ से हो रहा है सर? ये भी तो फिर कुछ... देखें, जब घड़े नवाज शरीफ की तरफ गए चिकने चपटे, उस वक्त कोई नहीं बोला। जब बाल्टियां उंडेली गई उस वक्त कोई नहीं बोला। तो आप मानते हैं कि किरदार कहीं ना कहीं मुझे से रहा है? पता है कि नहीं है, जीप सही निशान है। कलम दवात का हुक्म होगा कि जनाब अली चढ़ाई चढ़ जाओ। लेकिन शेख साहब जीप और फिर 10-12 लोग हैं साथ में, फिर कहा जा रहा है कोई हंग पार्लियामेंट होगी, उसमें इस आजाद ग्रुप को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। हर पार्टी इस वक्त सिवाय पीटीआई के वो डिससैटिस्फाइड है, देखें ये सब कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। तारीख इस कौम को याद नहीं रहती, बड़ी जालिम कौमी सोच है कि हफ्ते का खाया भूल जाती है, बल्कि कई तो दोपहर का खाया भूल जाते हैं। इस मुल्क में जफर जमाली साहब ने एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत की है, अब जीप चुभ रही है, जीप की लाइटें नवाज शरीफ की आंखों में पड़ रहे हैं। भाई तू सारी पहली जीप ही इसके बाप ने बनाई थी यहाँ, मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान की पहली जीप बनाने वाले यही थे, जरा लाइटें डिम थी अपने मतलब। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक मुअल्लक पार्लियामेंट अगर बनेगी, खान साहब कहते हैं कि मैंने नहीं हुकूमत बनानी, आए जरदारी साहब कहते हैं को कहने ने मैं पूरी कोशिश करूंगा, बिलावल ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, तो बनाएगा कौन हुकूमत सर? कैसे खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, तो फिर कौन बनाएगा हुकूमत? फिर ये जीप ग्रुप आगे आ सकता है चौधरी निसार साहब और उनकी पार्टी? देखें, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, जो मर्जी इमरान खान कहे, अगर हंग पार्लियामेंट भी हुई तो मैं कोशिश करूँगा उसकी हुकूमत बने, और मेरा बड़ा अहम रोल होगा इमरान खान की हुकूमत बनाने में भी, और उसको चलाने में भी, और आगे लाने में। कितनी सीटें ले जाएंगे ये छोटे सीटें जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं जमाली को एक सीट से वजीर आजम बना सकता हूँ ना, तो इमरान खान को भी 2-4-5 सीटों की अक्सरियत से वजीर आजम बना सकता हूँ। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हमने चलना, खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, तो अभी तो पीपल्स पार्टी तो कोई हरज नहीं है, कहने में तो कोई हरज। अच्छा, आसिफ जरदारी बुरा आदमी है, बिलावल तो नया बच्चा है ना उसका, मेरा मतलब इससे ज्यादा है। अच्छा, बिलावल के साथ चला जा सकता है, जरदारी साहब के साथ नहीं? बिलावल साहब ने खुद ही ये कहा है कि हम नहीं चलेंगे, वो मूड में नहीं है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इस मुल्क की बदनसीबी है कि बहुत सारे खाना नंबर 2 के लोग खाना नंबर 1 में आ गए। सियासी आदमी को, सियासी वर्कर को यहाँ कोई थप्पड़ नहीं मारता। इतना महंगा इलेक्शन है कि बड़े आदमियों की आंखों में आंखें डाल के शेख रशीद ही देख सकता है। तो अभी जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह, इवन कैंपेन जो है लोगों की हो रही है, मईशत की जो बुरी सूरत हाल है, मईशत की बहुत बुरी हालत है, 126-125 रुपये का डॉलर है, किस्त कैसे देंगे मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान की इकॉनमी में एमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। जब मैंने कहा था जनाब अली जुडिशियल मार्शल्ला लग रहा है, आप सारे एंकर मेरे पीछे पड़ गए। बिल्कुल। उसके बाद अभी कभी आपने नहीं सोचा कि भी क्या बना है, किसी ने अब बात नहीं की। मैं जरा वक्त से पहले बात कर रहा हूँ,
हुकूमत चलाना आसान काम नहीं होगा जो भी हुकूमत बनाएगा, और ये भी मुमकिन है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस तेज़ हो गए तो हुकूमत की मुद्दत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लोग जो हैं वो इस कदर तंग हैं कि ये पैसा हमारे मुखालफों का खाएंगे, वोट कलम दो आप तोड़ पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये जो मैं आपकी बात समझी हूँ कि ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये अगली आने वाली हुकूमत की भी अनसर्टेनिटी का बायस बन सकता है, और जुडिशियल मार्शल लॉ वाला अभी तक फार्मूला हो सकता है, वो अभी भी देखें सारे जजेस ही लगे हुए हैं जहाँ भी लगे हुए हैं, और जस्टिस साकिब निसार साहब ने हमारे शहर को तो खरीद दिया ये अस्पताल का, ये ऐसे ही कह रहे हैं वोटे छोटे हमारा मसला नहीं है जी, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह मुकल्लब अल-कुलूब है। लेकिन वो कहते कोई गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे, कोई गैर आईनी कदम। देखें ये इलेक्शन ही अगर हो रहे हैं तो चीफ जस्टिस की वजह से हो रहे हैं, उसने कहा कि मेरी मियादत के दौरान इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे, फौज ने कहा मंदिर भी होंगे और बाहर भी खड़े होंगे, इसके बाद अगर अनफेयर हुए और धांधली हुई और अगर फिर फौज की बदनामी हो, सो सारे सियासतदानों की बदनामी कोई मैटर नहीं करती, अगर फौज की जात और वर्दी पर धब्बा लग गया तो ये मैं समझता हूँ। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो है वो लीड कर सकती है किसी भी एक्सीडेंट को या इट्स ए वेरी वेरी सीरियस थिंग कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस, डॉलर ही लेते रहे कर्जे में, ये नहीं यूरो ले लेते, कोई यन ले लेते, सो डॉलर इतना रेज हो गया, अगर ये और रेज हो गया 130-135 तक पहुँच गया, एक डॉलर का एक रुपया बढ़ना ये है कि एक अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है शेख रशीद अहमद साहब ने, और जो माशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, और जाहिर है कि जिस तरह से गुर्बत भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, ये किस तरह से सरवाइव करेगा सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मुस्तकबिल का जो पेश मंजर है उन्होंने बताया। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि नैब के मुकदमात मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आते हैं वतन तो क्या होता है, नहीं आते तो क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त लाल हवेली के बाहर, रात के इस पहर मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी जोशो खरोश है, लग नहीं रहा कि यहाँ पे रात है, ये दिन ही दिन लग रहा है इस वक्त। लेकिन शेख साहब, आप एक जमहूरियत पसंद शख्सियत हैं, और ठीक है आपने पार्लियामेंट पर लानते भी बड़ी भेजी हैं, उसी पार्लियामेंट के लिए आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन जुमलेबाजी की आपको मेरा मतलब है इतनी छूट नहीं दी जा सकती। ये सारे लोग मार्शल्ला और डिक्टेटरशिप के पैदावार हैं, ये जितने सियासतदान हैं ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, मतलब निकल जाता है ना तो ये जमहूरियत जमहूरियत की बात करते हैं। इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं, पंजाबी सियासतदान, जिसकी गली में से 5 लाशों की तस्वीर लगी हो, जिसने 7 साल एक अवारा कलाशनकोफ के पीछे माँ का जनाजा पढ़ के कैद करी हो एक मिनट के फासले में, ये सारे बातें करते हैं। इस मुल्क के गरीबों में से एक ही आदमी ऊपर आया, उसका नाम है शेख रशीद, और इसीलिए खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह। कोई बंदा ये नहीं जो स्टूडेंट लीडर से, काउंसलरी से 2 दफा काउंसलर बनाऊ, एक एक वोट से मेयर आ रहा हूं, 3 दफा खुदकुश हमलों से बचाऊ, अब भी मैदान में बैठा हूं, कुछ हो सकता है। So, ये सारे लोग वो बातें करते हैं। फिर भी मेरा एतराज ये है, knowing you since long, आपको इतने अरसे से हम कवर भी कर रहे हैं, इतने आप पॉपुलर भी हैं, कोड़े लगने का फैसला हुआ था कि ड्रोन नहीं होगा, रात को तो मैंने सिरिंज लगा ली हुई थी कि सुबह 10 कोड़े लगने हैं। ये जो साले बातें करते हैं, ये सारों की सियासत खत्म हो गई जो जियाउल हक के दौर में। लॉ कहाँ है नवाज शरीफ जब लाउड स्पीकर लगा के जियाउल हक पीछे कोड़े मारता था, कहाँ था नवाज शरीफ? बड़ा जमहूरियत का चैंपियन, झूठा परले दर्जे का, जिस दिन सच बोला उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। आप ये नहीं समझते कि जमहूरियत डिलीवर कर सकती है इस मुल्क को, इस गरीब ये फरमाइशी लोग, पैसे के जोर पे आने वाले मेलसी, खिची, टवाना, ममडोर, जाट, जामोट, ये सब दौलत की कंपनी की मशहूरी करने के लिए। इस मुल्क में गरीब की एक ही आवाज है, वो कलम दबाता है, और वो शेख रशीद। इसमें कोई शुबा नहीं कि आपकी आवाम के अंदर रूट्स हैं,
आपको टमाटर का भाव पता है, आपको दालों का भाव पता है, आपको आटे का भाव पता है। अभी मैं अंदर थोड़े दाल चावल खा के आया हूँ, दोपहर से रोटी नहीं खाई। हाँ, लेकिन 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 सर मसला ये है कि आप समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गरीब को वो सब कुछ दे सकेगी जो 70 साल से पाकिस्तान की आवाम तरस। अगर इमरान खान की हुकूमत ने इस दफा गरीब को कुछ ना दिया और गरीब मायूस हो गया तो इस मुल्क में खाना जंगी हो। लेकिन हालात ऐसे नहीं, आप खुद हालात ही खाना जंगी के हैं। गरीब के पास है कुछ नहीं, गरीब आस लगाता है। देखें मैं मेरी ये क्यों बड़ी इतनी, जो औरतें मेरे पास लेडीज कंपेन करने का कोई जरिया नहीं, गली गली में मेरे खिलाफ लेडीज कंपेन हो रही होगी, लेकिन जो घर में माँ बैठी है, जो मेरी बहन और बेटी बैठी है, कहती है चलो दफा हो शेख रशीदा वोट है, वो शाम टीवी में मुझे देखती है। लोगों की 200-300 लेडीज कंपेन कर रही हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है। सो जिस घर में जाती है जहाँ कोई मेरी माँ बैठी हुई है बूढ़ी, वो कहते दफा हो कलम दबा दी वोट, ऐसे नहीं किसी ने देना, दरवाजा ही नहीं खोलते इनके लिए। अच्छा मगर शेख साहब मसला ये है, अच्छा अच्छा शेख साहब लेकिन मसला ये है कि अब अच्छा अभी जो सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग उन्होंने कहा हम खत्म कर देंगे, काफी हद तक कम हो गई। हालांकि उसने माशी तौर पे पाकिस्तान को क्या कहूँ कि मुआशी तौर पर उस बुरान में मुब्तला किया है, चोर के बच्चे खा गए हैं कमीशन ने। चाइना ने कोई एहसान नहीं किया जी, हम चाइना कॉरिडोर के हामी हैं। इमरान खान की हुकूमत बनी और मेरा कोई अहम उसमें रोल हुआ तो मैं चाइना कॉरिडोर के तमाम कमीशन खोरों को ट्रायल करूंगा, तमाम ठेकेदारों को ट्रायल करूंगा। क्यों लग रहे हैं मैं बता देती हूँ, अभी नून लीग की यहाँ से गाड़ियां गुजरी हैं कैंपेन चलाते हुए, तो ये जोश में आ गए। अच्छा, एक सेकंड, प्रोग्राम ने चलना भी है। अब आप क्यों चाहते हैं यार पीछे बीप लग जाए। हम ज़ारे शेख साहब जो बात कर रहे हैं और आपके कारकुनों का जोश खरोश भी, इसीलिए हमने देखा कि बाहर PMLN की गाड़ियां यहां से गुजरी और गुस्सा भी, लेकिन आप नहीं समझते कि NAB के जो केसेस हैं उनकी शरारत है। अगर कोई फैसला आ जाता है, मेरी बात सुने, हम कभी भी तसव्वुर नहीं करेंगे कि अपने मुखालिफ के दफ्तर के आगे से गुजरे। हमारा बड़ा एहतराम है, हम ये जानबूझ के हारे हुए जो लोग होते हैं ना, ये बार बार यहीं से गुजरेंगे, इनके पास दौलत का शमशमा है। हमने खुद इनको कहा माल उनका कहा वोट हमें डालो और आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होगा इलेक्शन वाले। लेकिन शेख साहब अगर NAB में सजा हो जाती है, मियां नवाज शरीफ को सजा हो जाती है और मरियम साहिबा को हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि एक सिंपथी वेव जो हमारे है हमारे शहर में कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल कोई सिंपथी वेव नहीं है, ये जितने चोर पकड़े गए हैं छोटे छोटे केसों में, फ्रिज चोरी किया है, गाड़ी का बानट निकाल के ले गया, गाड़ी इसकी केसेट निकाल दी है, और छोटे मोटे जो फोन छीन लिया किसी से, ये क्रिमिन असल क्राइम ये है जो लूट के खा गए। दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बीमारी दवाई महंगी होगी, तो इसका मतलब है शेख देखिए मैं अगर हुकूमत में आया मैं लंबा डाल दूंगा इस दफा, बहुत होगी इन चोरों लुटेरों। ये सारे चोर आपस में इन दी एंड मिल जाते हैं, शेख रशीद अगर हुकूमत में हुआ तो बताएगा कि चोरों को सजा किस तरह
कानून और आइन के तहत सजा दे। अभी क्या मुस्तकबिल है आपको लगता है? अभी शेख साहब आपको लगता है कि मियां साहब को सजा होगी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो फिर क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? देखिए वो बुजदिल आदमी है, एनआरओ की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी अदारे ने एनआरओ किया तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में उसके खिलाफ बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और वो एनआरओ 23 मार्च से लगा हुआ है, इस दिन तक जब लंदन जाता है, जब बाहर जाता है, वो इर्द गुर्द यही कोशिश करता है। बिजनेसमैन है, इनका काम पड़े तो ये पाँव पड़ते हैं, काम निकल जाए ये गले पड़ते हैं। सो इनकी सियासत है क्या? चैम्बर खाली है इनके ऊपर वाले कॉलेजों में दाखिले इन्होंने, वो क्या होता है जो पैसे दे के लेते हैं दाखिला, सेल्फ फाइनेंस से लेते हैं। अमली तौर पर बोगस लोग हैं। क्या डिलीवर किया है आप मुझे बताएं? हर वो काम इन्होंने किया है जिसमें इनके करप्शन के चार्जेस हैं। जितना चाइना कॉरिडोर का काम हुआ है, मैं जब ज़्यादा तनकीद नवाज शरीफ साहब पे करता था तो एक बहुत बड़े उनके करीमी आदमी ने कहा कि वो घर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा शेख रशीद मुझ पर सारी तनकीद करता है, उसे ये नहीं पता काम तो सारे शहबाज के इलाके में शहबाज करता है। अच्छा शहबाज साहब जो है वो तो चलने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाऊंगा मैं, फौज के साथ भी चलने को तैयार। फौज को धोखे देने की दो आदमियों में बहुत सलाहते हैं, एक का नाम खाकान अब्बासी है, दूसरे का नाम शहबाज शरीफ है। फौज को हर दफा धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी है, इनकी ट्रेनिंग ये ऐसी है कि ये तो ये एक पॉपुलर कैंडिडेट नहीं बन सकते शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में वजीर आज़म? कभी भी नहीं, शहबाज शरीफ अब तो मरियम से भी पीछे चला गया। और तहरीके इंसाफ जो कि जिसने तहरीके इंसाफ के पास सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है इमरान खान, मैं उसके साथ हूँ। जो लोटे मुझे नहीं पता, नहीं आप ठीक है, तहरीके इंसाफ के आप इत्तेहादी हैं सर, आपको वोट, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इमरान खान की हद तक मैं जिम्मेदार हूँ, बाकी मेरा कोई मसला। अच्छा इलेक्शन पुरमन होंगे, शफाफ होंगे आखिरी, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, खुदा खुदा ना खास्ता, क्या हो सकता अगर अभी हो जाए यहाँ पे तो क्या कर सकते। शेख साहब आप 25 तारीख को लोग वोट देंगे, निकलेंगे तो उसके बाद ही कुछ देखें। मैं 25 तारीख तक, मेरी जिंदगी में एक अजीब मसला है कि मैं 25 तारीख को सुबह वोट डालने के बाद जिस दिन इलेक्शन होता है मैं वोट डालता हूँ, फिर सो जाता हूँ, मैं थका होता हूँ सारी रात, क्या मैं उस वक्त उठता हूँ जब लाल हवेली के बाहर तिड़तड़ियाँ और ढोल बज रहे होते हैं, इंशाल्लाह इसी तरह उठूंगा 25 तारीख। मैं सो जाता 10-11 बजे तक। सो मेरी आदत है, मैं सो जाऊंगा कलम दुआ जाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू, मुझे क्लोजिंग करने में दे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब ने रिस्क लेके हमें यहाँ पे बुलाया, हमने प्रोग्राम किया। शेख रशीद साहब का शायद कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है, उनका कोई लंबा चौड़ा मंशूर नहीं है, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि वो आवाम की आवाज़ हमेशा बनते रहे हैं। 25 जुलाई को आवाम पूरे पाकिस्तान के निकलेंगे और अपने अपने पसंद के निशान के ऊपर की नज़रें 60 और 62 में है। सारे जो बाहर से आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कितनी लीड से शेख साहब जीतेंगे और कितनी लीड से पाकिस्तान जीतेगा। ये इलेक्शन पाकिस्तान का इलेक्शन है।